उन्हें जिस तरीके से खुलासे जो किए हैं, या अगर आप बात करें लाल किले में हिंसा के जो वीडियोज हैं, उन वीडियो को पहले उनके साथ टाई अप किया गया था, मोबाइल लोकेशन को, मोबाइल जो ट्रेसिंग उसकी जो CDR रिपोर्ट है उसको, उन सब की डिटेल के साथ जो है कोर्ट आज कोर्ट में मौजूद, कोर्ट में जो है दिल्ली पुलिस पेश करेगी अपनी और बात रखेगी और साथ ही कह सकती है इस मामले के उनको, और इस मामले में 3 से 5 दिन की रिमांड की जरूरत है या दूसरी जगह ले जाना। आपको इस बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, वो दर्शकों तक पहुंचा रहे आंदोलन के नाम पर। देखिए किस तरीके से राकेश टिकैत ने सनातन धर्म का भी अपमान किया। हनुमान जी भी आंदोलन जीवी थे, ये राकेश टिकैत कह रहे हैं। बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं, राकेश टिकैत अपनी तरह सब चीजों को समझ रहे हैं। उन्होंने हनुमान जी को भी घसीट दिया, उन्होंने कहा कि हनुमान जी भी आंदोलन जीवी थे, दूसरे की लड़ाई में अपनी पूंछ जलवा दी थी। हालांकि रामायण मेरे ख्याल से देश का हर व्यक्ति जानता है और उसके पीछे के तारतम्य परिपेक्ष अच्छे तरीके से समझता है, लेकिन राकेश टिकैत शायद सनातन धर्म का सम्मान भी भूल गए। मतलब राकेश टिकैत अब कुछ भी तर्क दे रहे हैं, कुछ भी बयान दे रहे हैं, और देखिए महात्मा गांधी भी आंदोलन जीवी थे, राकेश टिकैत इस तरीके के बयान बार बार दे रहे हैं। जो आंदोलन कर रहे हैं उनको आंदोलन जीवी के, भाई सबसे बड़े आंदोलन जीवी तो हनुमान जी थे, दूसरे की राड में पास दिया करते। लड़ाई किसी की गए कहीं पूछ अपनी डलवाई, तो आंदोलन जीवी तो फिर हनुमान जी थे, उनको कहो ना कि वे थे आंदोलन जीवी। दुर्भाग्य थोड़ा पता चला। और चलिए सीधा हितेन का रुख कर लेते, क्राइम ब्रांच के बाहर से हमारे साथ हितेन जुड़ चुके हैं। हितेन देखिए राकेश टिकैत किस तरीके के बयान बार बार दे रहे हैं, हालांकि उनकी जो असलियत है, जो हकीकत है, उनके पुराने साथी उनकी पोल खोल रहे हैं। आप बिल्कुल देखिए, राजनीति में कच्चा खिलाड़ी होता है ना, उसकी बयानबाजी हमेशा इसी तरह की देखने मिलती है। और लगातार 26 जनवरी के बाद जब राकेश टिकैत ने आंसू बहाए, तब से वो राकेश टिकैत को भी जो है खुलकर राजनीति करने का मौका मिल गया। देखिए अब तक वो सिर्फ पंजाब के जत्थेबंदी या संयुक्त किसान मोर्चा को फॉलो करते नजर आते थे, लेकिन 26 जनवरी के आंसू बहे, उसके 26 जनवरी के बाद आंसू बहाए, उसके बाद राकेश टिकैत ने देखा मौका और खुद इस पूरे आंदोलन का हीरो बनते नजर आ रहे, खुद की ब्रांडिंग करते नजर आ रहे, क्योंकि उनके उन्हें यह लगता है कि दो बार तो वो अपनी जमानत जब्त करवा चुके, लेकिन अब ये जो तीसरा मौका मिला है इसे गंवाना नहीं है, तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे। और लेकिन तीसरी बार बड़ी बात यह है कि राकेश टिकैत जो साजिश रच रहे हैं या फिर जिस तरीके की तमाम चीजें वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो देश की जनता से या किसानों से छुप सकता है। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, राकेश टिकैत हरियाणा के रोहतक में आज फिर पंचायत करेंगे, करनाल के बाद अब रोहतक में टिकैत ने पंचायत बुलाई। तो देखिए पंचायत पे पंचायत राकेश टिकैत बुला रहे, किसानों को बरगलाना ही राकेश टिकैत का काम रह गया है। किसान आंदोलन को तेज करने की रणनीति पर मंथन करेंगे एक बार फिर से राकेश टिकैत। आज गाजीपुर से रोहतक किसान पंचायत में शामिल होने के लिए टिकैत जाएंगे। 4 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जिंद, चरखी दादरी, करनाल और रोहतक, ये 4 तस्वीरें। हितेन लगातार हमारे साथ बने हुए, हितेन देखिए पंचायत पे पंचायत राकेश टिकैत कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेते, हर्षा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। हर्षा देखिए पंचायत पे पंचायत की जा रही है, लेकिन इसका असर नहीं होगा क्योंकि जो किसान है वो भी अब राकेश टिकैत की बातों को और वो जो कर रहे हैं उसको समझ चुके हैं। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं दीपिका, कल हमने खुद मुजफ्फरनगर विजिट किया था जो कि राकेश टिकैत का गढ़ माना जाता है, सिसोली जो कि इनका गृह निवास है। धीरे धीरे जिस तरह से लोगों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना है लोकसभा राज्यसभा में, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपील की है कि ये पूरा कृषि कानून किस तरह से किसानों के हित में, कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा असर देखने को मिला है, जिसकी वजह से गाजीपुर बॉर्डर में इनिशियल दौर पे 26 जनवरी के बाद जो भीड़ देखने को मिली थी 2-4 दिन, अब वो भीड़ नहीं देखने को मिल रही, यानी कि गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी गिने चुने लोग ही मौजूद है जिनकी संख्या 200 से 500 के करीब होगी, ट्रैक्टर की संख्या भी कम हो गई है। धीरे धीरे लोग अपने घरों को लौट रहे हैं और देखिए राकेश टिकैत ही बात समझ गए हैं कि मां पंचायतों के द्वारा ही उनको किसानों की भीड़ जुटानी होगी, ताकि कि आगे की रणनीति अगर मजबूत करनी है तो कम से कम किसान बॉर्डरों पर दिखे। तो इसीलिए शायद वो हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र इन जैसे राज्यों में जा रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं पंचायत दर पंचायत। अगर हम देखें तो किसानों के हित की बात कम होती नजर आई और बतौर विपक्ष राकेश टिकैत ज्यादा नजर आए, तो क्या अपनी राजनीतिक जमीन को पुख्ता कर रहे हैं राकेश टिकैत इन पंचायतों के जरिए? देखिए कई
लोगों ने इस बात को माना है कि राकेश टिकैत की पॉपुलैरिटी पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में जो कम हो गई थी, इस किसान आंदोलन के जरिए राकेश टिकैत को जमीन मिली है। और जिस तरह से राकेश टिकैत पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, किसानों के मुद्दों पर चुनाव लड़ चुके हैं और ये अपनी जमीन मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहे, यही एक बड़ी वजह है कि महा पंचायतें लगातार की जा रही है। कल जब मुजफ्फरनगर सिसोली राकेश टिकैत के गढ़ में मौजूद थी, वहां पे कई लोगों ने कहा कि दूर दूर तक किसानों के मुद्दे से पूरे टिकैत परिवार का राकेश टिकैत का कोई लेना देना नहीं है। कृषि कानून की कभी बात किसी मन से नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसानों को गुमराह और दिग्भ्रमित किया जाता है। और यही बात समझने की हर किसान को जरूरत है। अगर थोड़ी बहुत भी संख्या में कोई किसान गाजीपुर सिंगू या टीकरी पहुंच रहा है तो देखिए ये जो सिचुएशन है गाजीपुर बॉर्डर पर बनी हुई है और यही सिचुएशन सिंगू और टीकरी पे है। और जल्द ही जो राकेश टिकैत की अपनी इमेज लार्जर देन किसान आंदोलन बनाई हुई है, खुद को हीरो की तरह जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जल्द ये धराशायी हो जाएंगे। जी अनुराग, लेकिन हर्षा महापंचायत के जरिए राकेश टिकैत बरगला रहे, लेकिन दूसरी तरफ किसानों के मन में सिर्फ कंफ्यूजन ही पैदा हो रहा है। ये राकेश टिकैत के लिए, उनके आंदोलन के लिए अच्छे संकेत नहीं है हितेन? चलिए हितेन लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस नेता के शराब वाले बयान पर राकेश टिकैत अब भड़क गए। ऐसे लोग आंदोलन से दूर ही रहे तो अच्छा है, राकेश टिकैत ये कह रहे। राकेश टिकैत दरअसल जो हरियाणा कांग्रेस की नेता की ओर से बयान दिया गया था उस पर ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अपने आंदोलन में जाकर बांटे शराब, राकेश टिकैत की बात कह रहे हैं। हालांकि असलियत क्या है आंदोलन की, ये राकेश टिकैत अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल, आपको याद होगा कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से विद्या रानी ने संबोधन करते वक्त ये कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो शराब भी बांटेंगे। आज ये कहा है कि किसानों के आंदोलन में उनको दारू बांटी जाए, तो क्या कहना है आपके बारे में? किसानों के आंदोलन में दारू बांटी जाए, क्यों दारू का क्या हो यहाँ? उन्होंने, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, उसमें खुद उन्होंने मंच से पब्लिक, बड़ी पब्लिक में कहा है कि किसानों के आंदोलन में हर चीज उनको दी जाए, खाने दारू सबको दी जाए उनको। यहाँ तो नहीं कोई दारू की तरह, इस तरह का कोई प्रोग्राम है? हम तो इसके बहुत खिलाफ है दारू के। तो जिस तरह के बयानबाजी वो कर रही हैं, तो और क्या पता भाई क्यों कर रही है बयानबाजी, उनका क्या मतलब आंदोलन से?